बताएंगे यार हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, सभी को मिला लेंगे फिर कोफ्ता बनाएंगे। दो चम्मच ये पा दीजिए, 2-3 चम्मच बेसन हो गया, इसमें डाल देंगे गोल गोल शेप में बना के, छोटा छोटा डालिए पूरा बना लेंगे। ये है सजमैन का कोफ्ता की रेसिपी बताइए। डाल दिए ना तो पानी थोड़ा भी नहीं है इसमें, ठीक बन रहा तो पानी होगा तो ठीक नहीं बनेगा। बना के निकाल लें आप, इसके बाद प्याज डाल दीजिएगा, तेल गर्म है जिसमें पकौड़ा सब बनाए थे। हमारा तेल छोड़ दिए ना, सभी तेल छोड़ दिए हैं, देखो तेल। तब आप देंगे टमाटर, तो प्याज पिंक कलर हो गया, 2 मिनट और भूनेंगे तब मसाला सब ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 1.5 चम्मच मसाला भी ऐड करते हैं, थोड़ा लगेंगे फिर सब मसाला खुल जाएगा। गरम मसाला 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, मिर्च 1.5 चम्मच और अपना स्वाद अनुसार का। नमक देंगे 1 चम्मच, क्योंकि कोफ्ता में भी हम नमक डाले हैं, थोड़े नमक पानी डाल देंगे। एक गिलास डाल दिए पानी, बड़ा गिलास अब जितना डाल उतना डाली खाली डाल, उबाल आ गए इसमें। अब कभी डाल देंगे, कोफ्ता बना कर रखे थे ना, कभी डाल देंगे, फिर 2 उबाल और आना चाहिए इसमें तो बन जाएगा। ऊपर चढ़ के रखेंगे, 2 उबाल आने देंगे, हमारा सब्जी में उबाल आ गए अच्छी तरह। अब इसको गैस बंद कर देंगे, फिर बॉल में निकाल, तैयार है। अब चावल साथ ही खा सकते।